وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا. खुलासा पारा नंबर उनतीस तबारक लजीब या दिल मुल्क बड़ी बाबरकत है वो ज़िमें जिस जिसके हाथ में बादशाह है ज़मीन व आसमान की सूरत मुल्क, अल्लाह की बादशाहियाँ और हमें मकसद हयात को सिखाने वाली सूरत यहाँ सूरत मुल्क से लेकर सूरत कलम सूरत मारज सूरत अलहका सूरत नो, सूरत जिन, सूरत मुज़म्मिल, मुदसर और इसी तरह से सूरत मदसर के बाद सूरत कियामा और सूरत मुरसलात, सूरत दहर यानी आयतों के साथ सूरतें भरती जा रही हैं पूरे पारे का टॉपिक है ये दुनिया ये ज़िंदगी एक ये ज़िंदगी एक फनप्लैक्स नहीं है ये एक शादी हॉल नहीं है ये दुनिया ऐसी है कि जिसको आप कमरा इम्तहान समझेंगे और जब ये समझ जाएंगे तो सोच ही बदल जाएगी ज़िंदगी ही हमारी इसके मुताबिक हो जाएगी और फिर इसके बाद आप अपने आप को अल्लाह ताला की मर्ज़ी के कामों में शामिल करेंगे देखिएगा ज़रा मेन इस सूरत कि इस बारे के अक्सन अमल करना है सीधे रास्ते पे चलना रब की तरफ रजू करना अल्लाह से डर के रहना है पिछले वाकयात से सबक लेना है रोज़े जजा को सच मानना है फ़ैसले के दिन की तैयारी करनी है हशर का यकीन हासिल करना मफ़रत की दुआ करनी है हिदायत पर साबित क़दम रहना है अल्लाह की बात को फैलाना है लोगों तक दावत देनी है लोगों को दावत देनी है और इसी तरह से अल्लाह की तरफ़ जाने का रास्ता इख्तियार करना है इस दुनिया में रहते हुए अपने लिए आगे भलाइयाँ भेजनी है रब की बड़ाइयाँ बयान करनी है और क़्यामत के दिन के बारे में जानना है आइए तरतीब के साथ अमल देखते हैं पहली बात क्या है कि अक्सन अमल और मकसद हयात पे नज़र रखनी है और इस दुनिया को फनप्लैक्स नहीं बल्कि एक क्ला क्लासरूम समझना है तैयारी से ही सोच बदल जाती है आप शादी या पार्टी में जिस सोच के साथ जाते हैं वो मुख्तलिफ होती है इम्तहान देने के लिए जाने से तो पहली सोच उनकी है जो कहते हैं ई ड्रिंक बी मैरी लाइफ इज आ बस जोक दूसरे संजीदा समझते हुए इसको अपनी ज़िंदगी में लाते हैं जहन्नुम के तस्करों में जो इसमें बात है वो उससे अपने आप को बचाना है और अपने आप को दुनिया में उस रास्ते पर लगा लेना है कि जिसको यमशी मुकिब्बन अला वज़ही ही याहदा अमई यमशी सवैयन अला सिरात मुस्तकीम में पेश किया गया आयत नंबर ट्वेंटी टू में और इसी तरह से हमने इस सूरत को पढ़ने के बाद इस बात का यक़ीन रखना है कि अल्लाह को हमारे दिल के छुपे ढके हर चीज़ की खबर है आयत फोटीन अलायाल मुन ख़लक बहूल लतीफ़ालखबीर और फिर आयत नंबर सिक्सटीन और उससे अगली आयत की रोशनी में अल्लाह की पकड़ से बेखौफ नहीं होना अमीन तुम कहीं आता है कहीं अम अमीन तुम आता है कभी मुक़िबन तो अल्लाह ताला हमें अपनी पकड़ से बचाए सूरत नून जिसको क़लम और नून दोनों ही कहते हैं नब्स वसम के हक़ूक को समझने आई है इसको पढ़ते हुए नब्सम पे पे मोहब्बत आनी चाहिए और वन्ना कल खलक नज़ीम अमल करते हुए अपने अखलाक को बुलंद करना है और इसी तरह से जन्नती और जहन्नमी एक जैसे अमल करके दुनिया से नहीं जाएंगे इसके लिए अपने अमाल को देखना है कि मेरे अमाल मुझे जन्नत में दिल ले कर जा सकते हैं या जहन्म में और हजरत यूनस की इस मिसाल से इबरत लेनी है जो कि आयत फोर्टी एट में बयान की गई सूरत अलका से आपने मैंने अपने लिए अमल का नुकता ये लेना है कि क्यामत के लिए तैयार रहना है उस दिन की हसरतों से बचने के लिए आज मेहनत करनी है और इसमें से आयत नंबर 18 से लेकर आयत नंबर 35 बल्कि उससे भी एक आयत आगे तक इस पे गौर करना है क्या मेरा नाम माल दाएं हाथ में होगा जो ख़ुशी ख़ुशी दूसरों को दिखाना चाहूँगी या क़्यामत के दिन हसरतों का शिकार होंगी और दुनिया जमा करते करते कहीं इस हद तक आगे ना निकल जाऊँ कि कल उस पर अफसोस हो सूरत मारिज का पैगाम क्या है इसमें भी एक पैकेज है उसको नोट कर लीजिए आयात का जो हमने इनशाला अपने अमल में लेकर आनी है और अपने आप को उनके मुताबिक करना है और वो कौन से हैं आयत नंबर ट्वेंटी टू से अलमुस मिला सलातीम से लेकर आगे आगे चलते जाएंगे तो आयत नंबर आपको थर्टी में इनका पैगाम मिलेगा उलाए कफ़ी जन्नात मुखरमन तो इनायतों की रोशनी में वो अमल करने हैं जो जन्नतों में भी इज्ज़तें दिला सकें हम सबको सूरत नुख का पैगाम क्या है कि अनथक काम कीजिए साढ़े नौ सौ साल ज़िंदगी तो नहीं है लेकिन वो कमिटमेंट दिखाइए कि फ़रिश्ते भी कह दें कि अल्लाह अगर इसको साढ़े नौ सौ साल की भी ज़िंदगी मिलती तो ये तेरे रास्ते में ही गुजार देता और आयत पाँच पे अमल लिखिए कि इन्नी दाऊ तो कौमी ले व नहारा दिन के काम रात दिन करने हैं छोटी कोशें बड़ी कोशें ज़ाहरी बात नहीं लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म ये दावत हमारा ओढ़ना बिछोना बन जाए ताकि रात के ख्वाबों में भी आपको प्लान सुझा दिए जाए और इसमें दुआ है ट्वेंटी आयत में जिसमें अल्लाह ताला ने हज़रतमुख के जरिए से ये दुआ सिखा दी रब फिर वलीमन दखलिया वला तबारा अल्लाह तला हमें अपनी पकड़ से बचाए सूरत जिन का मौजू क्या है कि एक बात सुनी और दूसरों के लिए दाई बन गए अल्लाह के नबी की बात पुचा दी तो हमें इस पैगाम को अपने तक रखने की बजाय अपने प्यारों तक भी रखना है हम जिस काबिल होंगे वो तो होंगे लेकिन आज जो कर सकते हैं उससे महरूम नहीं रहना सूरत मुज़म्मिल का पैगाम क्या है अमल का नुक्ता रात का कुछ घेड़ हिस्सा ज़रूर आपके सामने खड़ा होना है ताकि दिन में इस काम की जो ज़िम्मेदारियाँ उनको पूरा कर सकें और इन नाशियत लिह अशद तम नफ्स नफ्सकुशी यानी नफ्स को कुचलने में और बातों को सीधा करने के लिए रात को रब के सामने खड़ा होना है और अल्लाह मुझे और आप सब को इसकी तोफ़ी कता फरमाए और आए टेन से पता चलता है कि अगर किसी को छोड़ना पड़े तो वाह हम हजरन जमीला पे अमल करके अच्छे तरीके से छोड़िए ताकि कभी फिर वापसी के रास्ते भी खुल सके और इसके बाद आख़िरी आ पूरी एक आयत का है आयत नंबर ट्वेंटी नोट कर सकते हैं आयतुलकरसी के बाद और सुर आयद की वो तवील आयतों के बाद और आयत दैन के बाद ये भी आयत कुरान की तवील आयत है सुर मजम्ल का पूरा रकू एक ही आयत पे इ रबा कया लमू से शुरू होके इन गफ़ूरहीम और इसके बाद सूरत मुदसर का पैगाम कह क्याम फिन फिर नहारम फानजर अल्लाह के नबी रातों को अल्लाह के आगे खड़े होते थे और दिन को बंदों के सामने खड़े हुए और ऐसे खड़े हुए इस पे कि तेईस साल फिर खड़े ही रहे जिंदगी के आखिरी दम तक यही काम किया अल्लाह हमें आपके नक्शे पा पे चलने की तोफ़ी कता फरमाए सूरत क्यामत आती है इसके बाद इसका मौजू लिख ली इसका मेन नुकता लिखिए कि जब जान हलक में पहुंच जाएगी उस वक़्त बात समझ आई तो क्या फ़ायदा हुआ आज ही अपने नफ़से लवामा को सुनते हुए ऐश कोश ज़िंदगी से निकलकर, नफ्स अमारा को दबाते हुए यूनब बोल इंसान य उम इज़्म बीमाकदमा अखब अखर आई थर्टीन पर अमल करना है और हर काम जो करें ज़िम्मेदारी के साथ करें ताकि क्यामत के दिन हसरत ना हो फिर उसके बाद सूरत दाहर जन्नत के तस्करों से भरी हुई सूरत शुक्रगुजारी के मुकाबले पे कुफर है इन्ना हदई ना इम्मा इमा व इम्मा वामा कपूूरा आयतिन तो शुक्रगुजार ज़िंदगी गुजारनी है और अल्लाह की नेमतों को उसके रास्तों में लगाना है ताकि जन्नत को पा सके और फिर सूरत मुरसलात जो आखिरी सूरत पारे की जहन्नम के तस्करों से भरी हुई सूरत और इस दुआ के साथ इसको पढ़ना और समझना है कि वही लोई या उमा इज़िलमुकज़बीन की पुकार जो बार बारी सूरत में है अल्लाह ताला मुझे आपको उसमें ना रखे तोमल की इन सारी बातों में हमें क्या पता चल गया कि तस्वीर भी करनी सब्र भी करना क़ुरान पाक से मजबूत ताल्लुक़ भी रखना है कोई आयत आ जाए उस पर तदब्बर करना है ग़लती का एतराफ़ करना है फ़ौरी तौबा रजू करनी है दुआ और इसलाह करनी है नमाज़ों की हिफाज़त भी करनी है और अल्लाह ताला को तर्ज़ हसन भी देना है और मौत से पहले मौत के बाद की तैयारी करनी है और दूसरों पर एहसान करके बदले की ख़्वाहिश नहीं रखनी पैगाम इस बारे में से आपके मेरे नाम सिक्स इन नाशियत लि अशद दुआ तम वाकवा मुकीला दर हकीकत रात का उठना नफ्स पर काबू पाने के लिए बड़ा कारगर और कुरान ठीक पढ़ने के लिए ज़्यादा मौजू है नीयत करते हैं यहाँ चंद मिनट चंद सेकंड खामोश होती हूँ कि अल्लाह हमें तहजुद गुजार बना दे इस ठंडक के बग़ैर हम दुनिया से ना जाएँ